हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी 6 o'clock टाइमिंग हुआ है। हम कोल्हापुर से निकल चुके हैं गोवा के लिए। यहाँ से लगभग 6 hours की जर्नी है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश किए कि सुबह जल्दी निकले। 5:30 का प्लानिंग था, मगर निकलते निकलते 6 o'clock हो गया। अभी एक घाट के बीच से जाने का प्लान तो है। बहुत सुंदर वाटरफॉल है। पता नहीं, रोड लोग बोल रहे हैं कि रोड ओपन हो गया है। अगर हमें वो रोड मिलता है तो उस रोड से जाएंगे। फाइनली हम लोगों को अम्बोली घाट का रोड ओपन मिल गया है। हम लोग पहले सुन के आए थे कि ये रोड बंद है, और क्योंकि थोड़ा सा वाटरफॉल ज़्यादा पानी बढ़ने के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है तो बंद है। तो हमें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि बहुत दिन से प्लान था कि हमें अम्बोली घाट का वाटरफॉल देखना था, क्योंकि हर बार हम लोग गोवा ट्रेन से ही आते थे तो ये वाला वाटरफॉल हमें देखने का मौका नहीं मिला था। तो क्योंकि इस बार हम बाई रोड जा रहे थे तो मन में वही था कि हम ये वाटरफॉल दिखे। आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि वेदर बहुत ख़राब हो रखा है। आगे का गाड़ी सिर्फ दिख रही है, तो जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा तो मुश्किल हो रहा है, मगर फिर भी हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये सोच के कि हम वो वाटरफॉल फाइनली पहुंच रहे हैं वहाँ पे। शायद वाटरफॉल पहुंचते पहुंचते और 4-5 किलोमीटर ही बचा हुआ है, मगर वो 4-5 किलोमीटर पहले से ही पता चल रहा है कि वहाँ का वेदर कैसा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं अम्बोली घाट वाटरफॉल के पास। ये मैं पहली बार देखी कि वाटरफॉल के साइड से ऐसे स्टेयर बना हुआ है। पहले जितने वाटरफॉल में गई हूँ ऐसा कहीं नहीं देखा। ये वाटरफॉल इतना बड़ा है कि देख के ना मुझे वो बाहुबली मूवी का फील आ रहा था। हम फ्रेंड्स मिलके बहुत मस्ती किए, बहुत इन्जॉय किए। हम लोग थोड़ा सुबह जल्दी निकले थे इसलिए थोड़ा खाली दिख रहा है, नहीं तो सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहता है। आज संडे है तो थोड़ी देर बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये वाटरफॉल इतना सुंदर है कि इसका ब्यूटी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। शायद आप लोग सामने से देखने से और भी मज़ा आता। अभी हम लोग सब घूमने निकले हैं और थोड़ा छोटा छोटा जो वाटरफॉल्स है उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग फाइनली गोवा पहुंच चुके हैं। वेदर बहुत अच्छा है, बारिश एकदम नहीं हो रहा है, और आगे के दो तीन किलोमीटर में हम लोगों का होटल है, तो अभी हम लोग होटल की तरफ ही जा रहे हैं। अभी हम लोग होटल पहुंच गए हैं, ला विया वुड। ये वाले होटल पे मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन से ही इस बार मेरे फ्रेंड्स वापस ये होटल पे आए। इस बार एक सिर्फ डिफरेंस ये है, पहले वाले होटल जो वुडन का लुक था, इस बार वो वुडन लुक के साथ सबको रेनकोट पहना दिया गया है। एक्चुअली रास्ते पे भी हम लोग जब आ रहे थे ना, तो बहुत सारे होटल पे ही देख रहा था कि सबको ही रेनकोट पहनाया है। क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न है, इसीलिए समुंदर में उतरने के लिए बहुत से रेस्ट्रिक्शंस भी है, तो हम सब मिलके स्विमिंग पूल में ही एंजॉय कर लिए। Thank you.
अभी इवनिंग में हम लोग बागा बीच पे आए हुए हैं। यहाँ पे बीच के साइड पे बहुत से रेस्टोरेंट हैं और सारे रेस्टोरेंट इतने अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो रात का डिनर हम लोग यहीं पे करके ही वापस जाएंगे। डिनर हम लोगों का हो चुका है, अभी थोड़ा सा बीच से वॉक करते हुए हम होटल के तरफ वापस जाएंगे। वो देखिए दूर पे दिखेगा, अभी जो पुलिस का पेट्रोलिंग टीम है वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा है, इसीलिए रात का गोवा बहुत सेफ भी है। गोवा में तो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, वो हमें पहले ही पता था, आप लोगों को भी दिख रहा है जो फ्लैग यहाँ पे ऑरेंज का, तो इसीलिए समुंदर में तो उतरने नहीं दे रहा है। हम लोग थोड़ा बीच के सामने सब फ्रेंड्स मिलके टाइम स्पेंड किए, थोड़ा मस्ती किए, फोटो सेशन की। हम लोग बहुत सुबह ही उठ के बीच में आ गए थे, बाकी लोग अभी तक आए नहीं हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम सब लोग अभी निकल पड़े हैं थोड़ा साइट सीन करने के लिए। ये एकदम गोवा के ट्रिपिकल लोकल रोड्स जो है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। इतना सुंदर रोड है, यहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग भी हुआ है, उनमें से मुझे याद आ रहा है डियर जिंदगी मूवी। यही वो रास्ता है जहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग हुआ है, तो इसलिए हम सब फ्रेंड्स मिलके थोड़ा खुद का भी फोटोशूट कर लेते हैं। कोकोनट पारा रूट के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इमाकुलेट कंसेप्शन चर्च पे, जो पंजी में है, और यहाँ पे भी बहुत सारे मूवी का शूटिंग हुआ था। इस चर्च के अंदर जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए हम लोग जो आउटसाइड वाला एरिया है वहाँ पे एक्सप्लोर करके वापस चले जाएंगे। Yeah.
अभी लंच के लिए हम लोग करीम्स पे आए हुए हैं। गोवा का ये एक प्लेस है जहाँ का नाम है फॉन्टेनिया। ये टूरिस्ट स्पॉट है, सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सारे जो हाउसेज है सब अलग अलग कलर के हैं। ये एक पोर्तुगीज कॉलोनी है। इतने सारे कलरफुल हाउसेज होने के वजह से ये प्लेस दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवी का शूटिंग भी हुआ है, जैसे मलांग एक विलेन, ओसाना सॉन्ग का शूटिंग भी इधर ही हुआ था। यहाँ पे हर साल मानसून के बाद यहाँ के कॉलोनी के लोग अपने अपने घर को पेंट करते हैं। फॉन्टेनिया से वापस आते वक्त रास्ते में मुझे एक पोर्तुगीज हाउस दिखा। इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं आगुआडा फोर्ट पे। ये आगुआडा फोर्ट नॉर्थ गोवा के सिंकेरिम समुद्र तट पर स्थित है। ये किला 17 सेंचुरी की शुरुआत में पोर्तुगीज लोगों के द्वारा बनाया गया था। ये जो प्लेस आप लोगों को दिख रहा है ये एक अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया है। आगुआडा फोर्ट मीठे पानी के नजदीक में बनाया गया था ताकि यहाँ से जाते हुए जहाजों को मीठे पानी मिल सके। आगुआडा फोर्ट का नाम पोर्तुगीज वर्ड आगुआ से आया है जिसका मतलब है पानी। आज हम लोगों को वापस जाने का दिन है, इसीलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठ के हम सब मिलके थोड़ा सी बीच में घूमने के लिए आ गए हैं। यहाँ से जाके ब्रेकफास्ट करके हम पुणे के लिए निकल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।